हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मिड कैप के 10 ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूं जो टेक्निकली और फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक को नहीं छोड़ना चाहिए जो अपर सर्किट लगाना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए पहला स्टॉक बताने से पहले, क्योंकि ये दोस्तों सीमेंट सेक्टर का है और बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। और हालांकि मैंने बहुत बार दूसरे स्टॉक भी बताए हैं सीमेंट स्टॉक के, जो आप खरीदो और अच्छा प्रॉफिट दो। ठीक है, तो चलिए अगर आपने लाइक किया तो सही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक जो आपके यहाँ पर सामने दिख रहा है दोस्तों, रेमको सीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टॉक है इसमें अभी देखिए करेंट मार्केट प्राइस के आसपास मैं बता देता हूँ 700 के आसपास चल रहा है, 750 के आसपास। ठीक है, और ये क्यों आपको ऐसे स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए, रीजन भी बताना सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्यों खरीदना चाहिए दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि बता देना चाहता हूं दोस्तों, इन जनवरी में जो है दोस्तों सीमेंट का प्राइस इंक्रीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, 10 से 20 पर केजी में जो है, 10 से 20 रुपया जो है पर केजी इंक्रीज हुआ। अब ये क्या चीज है दोस्तों, जो सीमेंट का प्राइस इंक्रीज होता है इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभी देखिए लैंड हमारे पास लिमिटेड है, जितने भी कुछ लोग हैं इन्वेस्टर ज़्यादा ज़्यादा जो है रियल एस्टेट में काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है किसी भी ज़मीन को खरीद के रखते हैं तो वो आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ करके हमें देता है। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि लैंड एक ऐसा फैक्टर है जो लिमिटेड है हमारे पास, ह्यूमन बींग के पास लैंड लिमिटेड है। अब क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है और लैंड तो लिमिटेड है, अब सभी लोगों को चाहिए कि नहीं भाई मुझे भी चाहिए घर चाहिए, मुझे भी घर चाहिए। ठीक है, हालांकि छोटा ही ज़मीन मिल जाए लेकिन चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, इसी वजह से ज़मीन का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जमीन का दाम बढ़ेगा क्योंकि सब लोगों को घर चाहिए, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। इसीलिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर, तिमाही ऑन तिमाही, हर एक साल में जो है सीमेंट का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है पर केजी। ठीक है, आप समझ सकते हो दोस्तों, सीमेंट सेक्टर में अगर हर एक साल सीमेंट का जो है डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा, तो आपको ऐसे सेक्टर में कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने रैमको सीमेंट। तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट सुनना मतलब देखना नहीं है, खरीद ही लेना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, देखना नहीं है खरीद ही लेना, ऐसे चीज़ बार बार नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ को हमारे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी मार्केट, जो करेंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 794 रुपये चल रहा है। ठीक है, जल्दी आपको जो है अच्छा से अच्छा जो है आपको प्रॉफिट करके भी दिखाएगा। और एक छोटा सा मैजिक दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैजिक ये है दोस्तों, आपने बहुत सारे सेगमेंट में जो है पैसा लगाया होगा, सेक्टर में अभी देख लो, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, बहुत सारे जो है केमिकल सेक्टर में आपने पैसा लगाया, लेकिन आपने ये देखा होगा किसी में प्रॉफिट है तो किसी में लॉस है, किसी में लॉस है तो किसी में प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस चलते रहता है, लेकिन सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसमें आपको प्रॉफिट तो भाई निकल के आना ही है। क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर तीन वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। और जब इसका करेंट मार्केट प्राइस 4000 के आसपास चल रहा था, बोल रहा था तभी खरीद लो, और 4700 तक ये टच किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट हुआ 100-200 रुपए। ठीक है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट में 1 ईयर में देख सकते हैं दोस्तों 26.88, मतलब कि दोस्तों 27 पॉइंट का आपको जो है 27% का आपको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ दोस्तों, अच्छा प्रॉफिट हुआ देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में, कम से कम लॉस तो नहीं है। अपना पोर्टफोलियो में जाके देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो उसमें से 5-10% लॉस में ही है, तो अच्छा है ना कि अगर आपने ऐसे स्टॉक को खरीदे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। अब ये देख सकते हैं दोस्तों श्री सीमेंट, इसमें देख सकते हैं 56% का आपको प्रॉफिट मिल रहा, वो भी 1 साल के अंदर में। बैंक हमें कितना देता है, 7%, अगर यहां पर हमें 50% मिलता है, 56 अराउंड 60% मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 को क्रॉस कर दिया है। तो दोस्तों ये होता है सीमेंट सेक्टर का पावर, ऐसे स्टॉक बहुत कम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि ये बस हमारे चैनल में ही आपको जो है यूनिक स्टॉक बताया जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी सीमेंट सेक्टर का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा मानता हूं कम प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट है, लेकिन ये तो बोलूंगा कि भाई लॉस नहीं है। ठीक है, आईटी सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में देखोगे 50% का लॉस, 30% का लॉस, 20% का लॉस, लेकिन कम से कम प्रॉफिट तो है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट में देख लेते हैं भाई, चलो इसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मान लेते हैं कि दोस्तों, लेकिन फिर भी लॉस नहीं, आपका पैसा नहीं डुबाया, आपका जो ये है दोस्तों कैपिटल है, मूलधन है, उसको बचा के रखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एसीसी सीमेंट में। ठीक है, एसीसी सीमेंट में भी यहाँ पर देख सकते हैं 6% का आपको जो है ग्रोथ नजर आ रहा है, ये 1 साल का मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए 1 साल का मैं दिखा रहा हूँ, अंबुजा सीमेंट में 1 साल में कुछ नहीं दिया, लेकिन 1 मंथ में इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया 1 मंथ में। तो यही चीज होता है मार्केट में।
ठीक है दोस्तों, तो हम दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ना ही मैं इंट्राडे के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, ना ही मैं फ्यूचर ऑप्शन के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। मतलब आपको खरीदना है 3 महीने 6 महीने आपको रखना है, ठीक है, होल्ड करना है दोस्तों, पेशेंस रखना है, तब जाकर पैसा बनेगा, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्विज कॉर्पोरेशन। क्विज कॉर्पोरेशन को क्यों खरीदना वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों तो थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ग्रोइंग मोर देन 2 टाइम्स इन, यहाँ देख सकते हैं मोर देन 2 टाइम इन 4 और 5 ईयर, मतलब कि दोस्तों 4 से 5 सालों के अंदर ये 2 से ज़्यादा बार जो है ग्रो हो जाता है। मतलब अगर आपने 4-5 सालों के लिए पैसा लगाया है तो 2 से 3 गुना आपको कर सकता है, 2 से 3 गुना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों क्विज कॉर्पोरेशन, इसका जो करेंट मार्केट प्राइस के आसपास था दोस्तों 5780 है, अभी तो 590 के आसपास है, थोड़ा बहुत अप डाउन है। देखिए क्विज कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ऐसी भी कंपनी को खरीद खरीद के रखना चाहिए, पोर्टफोलियो भर लो, भर लो जितना भरना भर लो, ठीक है, आगे पीछे सोचिएगा मत दोस्तों, ठीक है। ऐसे देखिए स्टॉक बहुत कम ही मिलते हैं जो ऐसे ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को भी खरीद के रखना और इसका ग्रोथ देखना चाहते हो आप, तो ये रहा इसका चार्ट आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं क्विज कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसने देखने जब फर्स्ट टाइम इसने लोएस्ट मारा था दोस्तों 400 के आसपास, उसके बाद यहाँ पर देखिए कहाँ तक चला गया था, 600 के आसपास, जब दूसरी बार गिरावट हुई तो दूसरी बार भी गिरा, लेकिन उसके बाद इसने और बड़ा हाई बनाया, 650 के आसपास इसने हाई बनाया। कौन सा कंपनी है दोस्तों? क्विज कॉर्पोरेशन, ठीक है दोस्तों। तो अब तीसरे स्टॉक पे आ जाते हैं नारायणा, ठीक है, ये मेडिकल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, ठीक है, ये मेडिकल में इन्वॉल्व है। तो अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 350 के आसपास, ठीक है, 340 या 50 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपनी को हमें क्यों खरीदना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक चीज़ तो ध्यान देना ही पड़ेगा दोस्तों हेल्थ के बारे में, जहाँ पर जितना पॉपुलेशन है किसी भी बीमारी का जड़ एक ही है, वो क्या है दोस्तों? पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा उतना भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो है और भी बीमारी इंक्रीज़ होते रहेगी, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेकिन जितना प्रॉब्लम इंक्रीज़ होता है हेल्थ में, अब उससे किसको फ़ायदा मिलता है? तो दोस्तों वो होता है मेडिकल, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जितने भी होते हैं दोस्तों, अब मेडिसिन खरीदो चाहे सिप्ला होता है, ऐसी जितने भी कंपनी है दोस्तों मेडिकल, तो मेडिकल में आप ले लो, ठीक है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों अपना विस्तार धीरे धीरे फैलाए जा रही है, तो ऐसे कंपनी पे हमें जो है इसका देखिए मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो भी अच्छा खासा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये नहीं है कि मतलब एक ही बार इंक्रीज कर रहा, लेकिन इंक्रीज कर रहा। तो ऐसे कंपनी पे जो है हमें अपना फोकस रखना चाहिए खरीदने के लिए। तो ये रहा आपके सामने करेंट मार्केट प्राइस दोस्तों, अभी जो चल रहा है 345 चल रहा है, लेकिन मैं तो बोलूँगा दोस्तों खरीदो, दम भर खरीदो, आगे पीछे सोचना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, ऐसे स्टॉक को खरीदना है। तो जितना खरीदोगे दोस्तों उतना आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर आपने नहीं खरीदा तो इतना पछताओगे, इतना पछताओगे कि दूसरी ज़िंदगी में मतलब आप सोचोगे कि ये मौका मुझे दोबारा कब मिले, ऐसा आप सोचोगे, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ ग्रोथ ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, हर एक चीज़ को हिला देता है और मतलब बाजी पलट देता है, ठीक है। तो इसमें देखो कंपनी का यहाँ पर नाम देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद इसमें ग्रोथ दिखाता हूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ग्राफ चार्ट पैटर्न ही आपको देख के पता लग जाएगा कि ये डाउन जाने वाला है या अप जाने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट देखिए इसमें देखिए अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। हाँ एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, ये जब भी आपको थोड़ा बहुत अगर गिरावट होता तो आप डरिएगा मत, ठीक ना, डरिएगा मत दोस्तों, क्योंकि मैं जितने भी शेयर्स बता रहा हूँ आपको वो 2-4 दिन के लिए नहीं है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, और ये जो है दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, ठीक है। तो डरना नहीं है, देखो ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक साल में यहाँ पर देखिए जब लोएस्ट कितना बनाया था, मान लीजिए 190 के आसपास, 200 ही मान लेते, 200 से अभी कितना हो गया दोस्तों? 345, मतलब कि सोच सकते आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ, और हाईएस्ट कितना मारा था दोस्तों? तो 400 टच ही होने वाला था, 400 टच ही होने वाला था, 375 यहाँ पर ही 400, तो 200 का स्टॉक अगर 400 हो जाता है तो मतलब समझ रहे हो ना, पैसा डबल, पैसा डबल। लेकिन पैसा डबल करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पैसा डबल करने के लिए पेशेंस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए दोस्तों। पैसा तो सबके पास है, अगर नहीं है तो किसी से ले भी लेते हैं, बैंक से लोन भी ले लेते हैं, आजकल ऐसी फैसिलिटीज़ भी आ चुकी है कि बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन पेशेंस नॉलेज ऐसा चीज़ है ना आपको मतलब मर मर के लेना पड़ेगा, ऐसी चीज़ आपको कोई नहीं निकाल के देगा। तो ठीक है, ऐसी कंपनी पर भी आपको ध्यान रखना है। और प्रॉफिट की बात तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, प्रॉफिट में दिखा देता हूँ कंपनी का नाम, ठीक है, हेल्थ केयर में। तो यहाँ पर देख लो 1 ईयर में यहाँ दिया है 74.50, अराउंड 75% का रिटर्न, ठीक है, 1 साल के अंदर। 1 महीने में कितना दिया है? 2% दिया है, चलो औकात के हिसाब से तो सही ही दिया है, कोई गलत नहीं दिया।
और एक कंपनी है दोस्तों, वो कौन सा कंपनी है दोस्तों? भारतीय एयरटेल। एयरटेल, अब एयरटेल को मैं क्यों बोल रहा हूँ खरीदने के लिए, एयरटेल को मैं क्यों बोल रहा हूँ खरीदने के लिए, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको भी पता होगा कि अभी ज़्यादा ज़्यादा किसको प्रॉब्लम हो रहा है, वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि आपके घर के पास तीन ही दुकान है, तीन में से अगर एक को कुछ हो जाता है तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं? आप मान लो जितने भी वोडाफोन आइडिया के पास जितने भी सब्सक्राइबर थे, जितने कस्टमर थे, अब किनके पास जाएंगे? या तो जियो के पास जाएंगे या तो एयरटेल के पास जाएंगे, क्योंकि दो ही है। ठीक है, क्योंकि एयरटेल दोस्तों है उतना, एयरटेल के पास इतना पैसा है, इतनी काबिलियत है कि वो जियो को थोड़ा बहुत तो टक्कर दे सकता है। ठीक है, मतलब अपने आप को स्टेबल रख सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वोडाफोन आइडिया को छोड़ो, भारतीय एयरटेल को खरीदो। भारतीय एयरटेल को खरीदोगे तो आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर का ही जमाना है, क्योंकि दोस्तों आप सोचो, हमारा जितना भी ये क्या बोलते हैं, जनरेशन बाई जनरेशन आ रहा है, दिन जैसे जैसे चेंज हो रहा है, न्यू जनरेशन आ रहा, तो क्या चाहिए? न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, जितना बेटर हो सकता है वो टेक्नोलॉजी चाहिए। तो लेकिन न्यू और बेटर टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जब हम इम्प्रूव होंगे तो हमारा कंपनी जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। आप पहले देखो कैसे फ़ोन चलते थे, लैंडलाइन वाले, ठीक है, तो वायर केबल वाले, लेकिन आज कैसे दोस्तों? पैकेट में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेडफोन लगाया बात हो रही है। तो ये जितना हमारे इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ईजी हो रहा है दोस्तों, ईजी टू कैरी जो भी है, मतलब आसानी से यूज़ कर लेना, आसानी से अफोर्डेबल होना, तो ये क्या है? सब कंपनी की देन है। तो कंपनी आगे बढ़ रही है, उसके बाद ही तो हमें प्रॉफिट हो रहा, चाहे जैसे भी। तो ऐसी कंपनी भी, भारतीय एयरटेल जैसे कंपनी को भी हमें खरीदना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और एक कंपनी है दोस्तों, वो कौन सी कंपनी है? यूपीएल। ठीक है, यूपीएल दोस्तों केमिकल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। तो यूपीएल दोस्तों एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, हमें क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? मैं तो ये बोलूँगा, ये सब सोच के अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, मतलब ये सब सोचना ही नहीं चाहिए, खरीदो या ना खरीदो, डायरेक्ट खरीद लेना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए दोस्तों, ऐसी कंपनी बार बार नहीं मिलती, कभी कभार मिल जाती है तो चलो मिल जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंपनी को खरीदो। अभी क्या मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों? 590 चल रहा है। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी ये जो है 600 को क्रॉस करेगा, और 630 के आसपास ये हो सकता है कि जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कंपनी को दम भर खरीदो जब तक टाइम रहे तब तक। और ये देखिए, कंपनी गिरती तो है, मान लीजिए कभी कभी गिरावट आ जाता है मार्केट की वजह से, ठीक है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है 1.27, मतलब कि दोस्तों 2% भी इसका मान लीजिए खराब नहीं आया था, अराउंड 1% के आसपास खराब आया था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी गिरा, मानता हूँ कि गिरा, लेकिन गिरने के बाद जो बाउंस बैक लिया है ना दोस्तों, एकदम टोटल रिकवर कर दिया, एकदम टोटल रिकवर कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए 591, और जो इसका हाईएस्ट मारा है दोस्तों, वो देख सकते हैं 600 का हाईएस्ट मारा, 600 रुपीज़ को भी इसने क्रॉस कर दिया। अगर आप सही से देखिएगा यहाँ पर, तो 600 को क्रॉस कर दिया। तो ठीक है, ऐसी कंपनी को खरीदो कि ठीक है भाई, मैंने खरीदा सही, गिर गया, गिरने दो, दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गिरने दो। लेकिन गिरने के बाद जब ये बाउंस बैक मारेगा ना, तो रिकवर हो जाना चाहिए भाई ऐसी कंपनी। अब बोलते हैं ऐसी कंपनी कैसी होती है, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है और कैसे खरीदना चाहिए, तो मैं बताता हूं दोस्तों, क्वालिटी वाले बिजनेस खरीदा करो, क्वांटिटी वाले बिजनेस मत खरीदो। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत खराब हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब बिजनेस बाउंस बैक करेगा ना, तो अच्छा प्रॉफिट देख के जाएगा भाई, और जो मेरा पैसा लगा हुआ है कैपिटल, वो तो निकलना ही निकलना है। और एक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, चैटल होटल नाम की कंपनी है। ठीक है, अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसका चल रहा है दोस्तों 340, मान लीजिए 341 के आसपास चल रहा है। अब आज के डेट में ये गिरावट भी आया है, मतलब 2% या 3% के आसपास जो है ये करेक्ट भी हो चुका है। तो क्या करना चाहिए, ऐसी कंपनी को खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, खरीदना है तो भाई खरीदना है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को खरीदो भाई, और गिरा हुआ कंपनी आपको मिल रहा है, मतलब कि दोस्तों आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, कंपनी हाई रेट पे चल रही थी, गिर गया है, मतलब अभी थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को खरीदो और आराम से रखो दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में, दिक्कत की कोई बात नहीं है, हिचकिचाओ मत। ठीक है, हिचकिचाना नहीं है, आराम आराम से रखना। मान लीजिए कल को अगर थोड़ा बहुत गिरावट भी हो जाता है ना, थोड़ा बहुत गिरावट भी हो जाता है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है भाई, रखो। क्योंकि भाई इस कंपनी की कुछ ऐसी खास बात है, कुछ ऐसी खास बात है ना जो हमें नहीं मिलने वाली, ज़्यादातर नहीं मिलने वाली। ठीक है, कंपनी का नाम पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नाम अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ये 1 ईयर का रिजल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। क्योंकि दोस्तों नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक खरीदा, 10 स्टॉक खरीदा, 10 में से मान लेते हैं कि दो आपने, दो ऐसे स्टॉक है जिसमें आपको नुकसान हो गया, ठीक है, और 8 स्टॉक में आपका प्रॉफिट हुआ, 10 खरीदा, 10 में से 2 नुकसान है, 8 प्रॉफिट में। अब क्या कीजिएगा, तो जो प्रॉफिट में था, जो लॉस में था, उसको काट देंगे, प्रॉफिट और लॉस से काट देंगे, 2 में प्रॉफिट था, 2 काट दिया, तो अब बचा कितने पास दोस्तों? हमारे पास 6 बचा। ठीक है, अब ये जो 6 है ये हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो उसी तरह हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वन ईयर का कितना हुआ है। तो वन ईयर का यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट 133.87, ठीक है। चलिए, अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं आपके हिसाब से, नॉर्मल चाहे मान लो जो भी है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। ये है वन ईयर का दोस्तों, वन ईयर का दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी क्वार्टर में आया, ठीक है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है आपके सामने, ठीक है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए वन ईयर के, वन ईयर जो है उससे डबल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वन यहाँ पर देख लीजिए 130 के आसपास, यहाँ पर देख लीजिए 240 के आसपास है। तो अच्छा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं भाई, ग्रोथ हो रहा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसी कंपनी में टाइम जरूर लगता है भाई, रुक जाओ 6 महीने 9 महीने, रुक जाओ 1 साल तक, प्रॉफिट जब दे जाएगा तब सोचोगे कि हाँ भाई अच्छा प्रॉफिट दिया। तो शॉर्ट टर्म के लिए जितने भी मैंने बताए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं थे, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बताते जा रहा हूं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ और बता देता हूँ कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, तो बहुत सारे लोग है सोचते हैं कि पेड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है और जो यूट्यूब में बताया जाता है क्या डिफरेंस है। दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है, सोचो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ ऐसा बताया जा रहा तो वहाँ पर आप फीस अगर पे करते हो तो कैसे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा बताया था, तो मैंने बताया था सीमेंट सेक्टर का बताया था, ठीक है। अब देखिए सीमेंट सेक्टर में दोस्तों, ये देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट को मैंने देखिए बहुत पहले वीडियो बनाया था, 102 दिन पहले, अराउंड 3 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 3 महीने के आसपास मैंने ये वीडियो बनाया था और बताया था आप लोगों को भाई खरीद लो खरीद लो। जब दोस्तों ये 300 के आसपास चला था, थोड़ा प्राइस गिरा तो 250 में हमने खरीद लिया। तो ये दोस्तों यहाँ पर बाद में बताया गया, लेकिन हमने खरीदा कब, खरीदा कब, जब अच्छा प्राइस देखा गया, वैल्यूएशन देखा गया पहले, ठीक है, दम पर। तो ऐसे स्टॉक हम पहले खरीद लिया गया, ठीक है। और ये देखिए, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि दोस्तों सीमेंट प्राइस इंक्रीज़ होगा, कौन सा शेयर खरीदे, यहाँ पर देखिए दमादम कमाई वाले शेयर। तो देखिए 700 का शेयर 5000 कैसे बन गया, तो ये वीडियो में भी मैंने बताया था। फ़र्क यही है, पहले खरीदा गया हमारे यहाँ, और पहले मतलब और नीचे से बेच से खरीदा गया और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि आपको कब एग्जिट करना है, ठीक है। और ये देख लीजिए, मैंने ये वीडियो बनाया था और बताया था क्विज कॉर्पोरेशन और सीमेंट सेक्टर विस्फोट धमाका, 20 दिनों के अंदर 70 पॉइंट का प्रॉफिट। तो देखिए क्विज कॉर्पोरेशन में और सीमेंट सेक्टर में दोनों में भी आपका अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन आज मैं फिर से जो है क्विज कॉर्पोरेशन का बता रहा हूँ, क्यों बाद में बताया जा रहा है, बाद में बताया जा रहा है, अभी भी खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन दोस्तों क्या होता है पेड सर्विस में आपको पहले से पहले बताया जाता है। और आज के डेट में देखिएगा वोडाफोन आइडिया, अभी मैंने आपको कौन सा खरीदने के लिए बोला, एयरटेल खरीदने के लिए बोला, ठीक है। अब वोडाफोन आइडिया में देखिए, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा था सावधान, वोडाफोन आइडिया Q3 में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, अगर आपने खरीदा है तो भाई बेच कर निकल जाओ, मैंने साफ साफ बोला था। और ये वीडियो मैंने कितने दिन पहले बनाया था दोस्तों, 2 घंटे 17 घंटे पहले बनाया था, 2 दिन 17 घंटे, ठीक है, 2 दिन 17 घंटे मैंने पहले बनाया था दोस्तों। मतलब कि जिस दिन आइडिया का प्राइस डिक्रीज होने वाला था उस दिन पहले बताया था, एक दिन पहले बताया था। और आज के डेट में तो आप देख ही सकते हो 25% का गिरावट है, 25% मतलब सोच रहे हो दोस्तों एक बहुत बड़ा गिरावट है। 25% आपको कमाने के लिए अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 3 साल रुकना पड़ सकता है, लेकिन यहां पर जो है 3 घंटे में ही आपने गवा दिया। तो ये फर्क होता है पेड सर्विस भाई और ये इधर जनरल। और कुछ ऐसे भी स्टॉक है दोस्तों जो बच गए हैं, तो जो बच गए हैं मैं उसको चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ये बता दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो सही से देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखना, अगर नोटिफिकेशन आपके पास सही से नहीं आता तो, ठीक है। अपने यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको जाना है और लिखना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, ठीक है। यहाँ देखिए मैं डेली सर्च मारता हूँ इसलिए आ चुका है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद ये जो आइकॉन है इसमें आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ जो दोस्तों वीडियोस दिखाई दे रहे हैं ना आपको, आपको वीडियोस में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आपने वीडियोस में क्लिक किया आपके साथ यहाँ देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब वन बाय वन सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। देख लिए यहाँ पर एक दिन पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, एक दिन के बाद यहाँ पर देख लो 4 दिन पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, 4 दिन के बाद यहाँ पर देख लो 5 दिन पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था। तो सारे वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो और आप हमारे सारे वीडियोज़ को देख सकते हो, पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही बताया जाता है। अगर उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो दोस्तों पेड सर्विस होता है यहाँ पर, ठीक है। पेड सर्विस में आपको इससे ज़्यादा और अच्छा मुनाफा दिया जाएगा। अगर आप हमारे पेड सर्विस लेना चाहते हो तो ये जो नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर है दोस्तों, ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, ऊपर वाला व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है। उसके बाद ये जो नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे तो बिल्कुल मिस नहीं हो पाएगा।